हाय गाइस, टुडे आई विल रिव्यू द लेटेस्ट बॉलीवुड फिल्म फन्ने खान। फन्ने खान एक बहुत अच्छी फिल्म हो सकती थी क्योंकि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद था। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, अनिल कपूर, दिव्या दत्ता, राजकुमार राव और ऐश्वर्या राय, ये सारे काफ़ी डिपेंडेबल नाम हैं जो किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत दे सकते हैं। द प्रॉब्लम विथ फन्ने खान इज़ दैट कि इस फिल्म के अंदर सब कुछ डालने की कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एलिमेंट घुसेड़ने की कोशिश की गई है, बिला वजह की कॉमिकल सिचुएशंस डालने की कोशिश की गई है, सेंसलेस चीज़ें डालने की कोशिश की गई हैं, रियलिटी से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है इस स्टोरी का। फिल्म के अंदर ऐसे बहुत से सीन्स हैं जहाँ पे ऑडियंस को ये महसूस होता है कि क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या ऑडियंस इतनी इमैच्योर है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो फिल्म बनाई गई है इसके अंदर स्क्रिप्ट भी बहुत बुरा है, इसके अंदर परफॉर्मेंसेस भी उस लेवल की नहीं है जो कि एक इमोशनल ड्रामा में होनी चाहिए। फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो तो नेल इन द कॉफिन है, क्योंकि इतना बेतुका क्लाइमैक्स और इतने बचकाने तरीके से शॉट किया हुआ क्लाइमैक्स मेरा नहीं ख्याल कि रीसेंट फिल्म में कभी देखा गया होगा। सेंस कहीं मिलता ही नहीं इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो शायद राजकुमार राव और ऐश्वर्या राय का ट्रैक है, जो उनका छोटा सा अपने ख्याल से अगर एक्यूमुलेट किया जाए तो 15 मिनट का मेरे ख्याल से कोई बनता है जो ट्रैक इनका है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड क्रेडिट गोज टू राजकुमार राव। ऐश्वर्या राय भी अपना पार्ट बेहतर तरीके से प्ले कर देती हैं क्योंकि उनको बहुत लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दिया गया है, विच शी इज क्वाइट केपेबल टू डू। अनिल कपूर हैदराबादी एक्सेंट इतने बुरे तरीके से बोलते हैं कि काफ़ी लोगों को शर्म आ जाती है कि अनिल कपूर जैसा मंझा हुआ एक्टर कलाकार कैसे ऐसे परफॉर्म कर सकता है जहाँ पे डिक्शन में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके बरक्स सतीश कौशिक ने जो पार्ट प्ले किया है वो भी हैदराबादी का ही प्ले किया है, मगर बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है। अगर कुछ लोगों ने बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखी है अमिताभ और गोविंदा की, उसमें भी सतीश कौशिक का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट था मगर काफ़ी इम्पैक्टफुल पार्ट था। लोगों को याद आ जाएगा कि ये फन्ने खां का कैरेक्टर उन्होंने वहाँ से लिया है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, आफ्टर ऑल उन्हीं का कैरेक्टर था, उनको एक तरह से रिप्रेजेंट करना था अपने इस कैरेक्टर को, सो ही डिड अ वेरी गुड जॉब। दिव्या दत्ता के हर सीन बेहतरीन है, दिव्या दत्ता की एक्टिंग, दिव्या दत्ता के डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत सॉलिड हैं। इनफैक्ट दिव्या दत्ता इज़ दी ओनली एक्ट्रेस जो अपने रोल के साथ 100% कन्विक्शन के साथ काम करती है। अफसोस की बात यह है कि दिव्या दत्ता का कैरेक्टर बहुत छोटा सा है। तेरे जैसा तू है ये गाना क्लाइमैक्स के अंदर है एंड आई थिंक दिस इज़ दी ओनली हाईलाइटिंग पॉइंट इन द क्लाइमैक्स। उसके अलावा चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो या एग्जीक्यूशन हो, क्लाइमैक्स बहुत बड़ा जीरो है फिल्म के अंदर। आई रेट फन्ने खान 2/5 एंड दिस 2 इज अ वेरी जेनरस 2।